अस्सलाम वालेकुम। यासमीन उमा खान के किचन में आज बन रहा है शेर खोरमा। शेर खोरमा ईद पर सभी के घर में बनाया जाता है। ये मीठी मीठी और एक सौंधी सौंधी सी एक ऐसे डिज़र्ट रेसिपी है जो इसके बगैर अगर देखेंगे तो ईद अधूरी अधूरी सी रहती है। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने सारी ले कर रखी हुई हैं। आज जो मैं आपको बता रही हूँ शेर खोरमे के अलावा मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। हर घर में ये काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी में बनाई जाती है क्योंकि गर्मी चल रही है, दूध अक्सर लोगों के घरों में फट जाता है। क्यों फट जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम बता देते हैं कि शीर खुरमा में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लेके रखा है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, इसके ऊपर काफ़ी मोटी मलाई आई हुई है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने मगज़ लिए हैं और ये तरबूज और खरबूज के बीज होते हैं। 1 बाउल भरकर हमने यहाँ पर मखाने ले लिए हैं, तकरीबन 30 से 40 ग्राम के आसपास होंगे। 250 ग्राम हमने यहाँ पर मावा लिया है यानी कि खोया। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क का यूज़ करें, इसके अलावा मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं सारे ही तकरीबन धोकर लेके रखे हुए हैं। 2 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर हमने यहाँ चिरौंजी ले ली हैं। 2 टेबल स्पून के आसपास ही हमने यहाँ पर खजूर लेकर यानी कि जो छुआरे होते हैं उनको सोख करके अच्छी तरीके से हमने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर पिस्ता ले लिया है, इसको भी सोख कर दिया, उसे बारीक बारीक कट कर लिया। तकरीबन मैंने यहाँ पर 20 से 25 बादाम लिए थे, उसको हमने सोख किया, इसका छिलका हटा दिया, उसके बारे में बारीक बारीक कट कर लिया। 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे सूखा नारियल ले लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर काजू लिए हैं, इसको भी हमने सोख कर दिया था, इसको अच्छे तरीके से सोख करने के बाद में बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर किशमिश ले ली है। किशमिश की एक बात और बता दूँ कि ये अगर आपके पास में मीठी हो, आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी रखी हुई हैं, अगर ऐसी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर दें क्योंकि ये दूध को फाड़ने के लिए जो दूध फटता है ज़्यादातर इसकी वजह से फटता है, क्योंकि इसके अंदर हल्की सी भी खटास अगर आ जाए तो दूध फट जाता है, शीर हमारी ख़राब हो जाती है। अगर ये मीठी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी ना लें और दूध के अंदर तो बिल्कुल ना डालें। इसके अलावा हमने यहाँ पे लेके रखी हुई है इलायची पाउडर और यहाँ पे हमने केवड़ा वाटर लिया है, 1 टीस्पून के आसपास ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने जो चम्मच मैंने लेके रखी हुई है ये 2 चम्मच चावल को लेके इस तरह से मैंने सोख कर दिया था। चावल डालने का रीज़न है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते। चावल डालने से हमारे जो शीर खुरमा में एक लचीलापन आता है, ऐसा हो जाता है जैसे रबड़ी खा रहे हों, उस तरीके के टेस्ट के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर चावल का यूज़ करेंगे। ये कच्चा बासमती लिया है, इसे मैं पानी या दूध डाल करके बिल्कुल फाइन पाउडर या फाइन पेस्ट की तरह इसको बनाकर तैयार कर लूँगी। शीर खुरमा को मीठा करने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 कप शुगर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, ज़्यादा मीठा पसंद करें तो ज़्यादा ले लें। और इसके अलावा हमें शीर खुरमा के लिए मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो है सिवैयाँ। ये बारीक वाली सिवैयाँ मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, इसकी जगह पर आजकल फैनी वगैरह आती हैं, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, वो भी अच्छी होती हैं। तो ये हमने तकरीबन 30 से 40 ग्राम के करीब ही ली हुई हैं, इसे हम एक साइड रख देंगे। और अब मैं बताती हूँ आपको टिप्स। जो भी बर्तन हम ले रहे हैं वो हैवी बॉटम होना चाहिए, मतलब कि वो भारी तले का होना चाहिए ताकि दूध आपका नीचे जाके ना लगे और शीर आपकी ख़राब ना हो। दूसरी बात यह है कि ये अच्छी तरीके से धुला हुआ होना चाहिए, अगर इसके अंदर ज़रा सा भी साबुन लगा रह जाता है तो दूध ख़राब हो जाता है, दूध फट जाता है और जिससे शीर हमारी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि जो बर्तन धुला रखा है उसको भी अच्छी तरीके से हम धोएंगे, साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और फिर इसे फटाफट से गर्म करने के लिए रख देंगे। स्टील का पतीला हो या सिल्वर का पतीला हो, जिसमें भी आप दूध गर्म करें उसे अच्छे से वॉश कर लें। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो उसे अगर रात में गर्म किया हुआ भी है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पैकेट का दूध ले रहे हैं तो डेट देख के ज़रूर लें, क्योंकि पैकेट का जो दूध होता है वो ख़राब जल्दी हो जाता है क्योंकि वो 1-2 दिन रखा हुआ होता है, तो डेट देख के ज़रूर लें। दूसरा, आप इसको फटाफट से डालें, इसके अंदर बर्तन के अंदर डालें और इसे फटाफट गर्म करने रख दें, हाई फ्लेम पर इसे जल्दी से गर्म करें। और शीर जब आपकी बन जाए तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा जो हमारा पहला दस्तरखान लगता है 20 से 25 लोगों का लगता है, तो हमें क्या करना है कि पहले हिस्से में हम ज़्यादा शीर रखेंगे, दूसरे में हम इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे और तीसरे में हमें क्या करना है कि जो बर्तन में हमारी ठंडी हो गई है शीर, उसको उठाकर हम फ्रिज में रख देंगे, वो शाम तक के लिए हमारी एकदम सही रहेगी। चीज़ों को ख़ास तौर से ख्याल रखना है क्योंकि शीर जो बनती है वो बहुत बड़ी क्वान्टिटी में बनती है, 10, 12, 15, 20 किलो तक की दूध की बनती है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मी में दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अब शीर खोरमा। तो शीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है, इसे मैंने उबाल कर फ्रिज में ठंडा कर लिया है। और ये फुल फैट हमारा दूध भैंस का होता है तो काफ़ी गाढ़ा भी होता है। अब इसे हम दोबारा से गर्म करने रख देंगे।
तो शीर खुरमा बनाने के लिए पैन को मैंने गर्म करने रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी का यूज़ बहुत ज़्यादा ना करें, वरना तो शीर के ऊपर घी घी आपको नज़र आएगा, क्योंकि दूध भी हमारा फुल फैट है, तो घी का इस्तेमाल थोड़ा कम से कम करें। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सबसे पहले मखाने, और मखानों को तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे क्रिस्पी होते हैं और इसके अंदर से खुशबू इंक्रीज़ होती है, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। पैन को हमने फिर से गर्म करने रखा है, इसमें हम फिर से 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर सिवैयाँ ऐड कर देंगे। ये पहले से रोस्ट होती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसका कलर ज़्यादा तेज़ कर दें। गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे और जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो सिवैयाँ भी हमारी भुन चुकी हैं, अच्छी खुशबू आने लगी, कलर चेंज हो गया है, बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। अगर इससे ज़्यादा होंगी तो फिर ये जलने लगेंगी। ये बारीक वाली सिवैयाँ हैं, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो पैन के अंदर फिर से हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके अंदर हम सारी मेवा ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने किशमिश को अलग कर दिया है, और इनको हल्का सा खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगता है अगर स्लो फ्लेम पर आप इसको कर रहे हैं तो। इसी में हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर मगज़ भी, इनको फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद में हम इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर देंगे, क्योंकि किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए मैंने बाद में ऐड की है। तो सारे नट्स हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छी से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब इस पर ले लेंगे हम दूध। तो दूध में हमारे अच्छे उबाल आ रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले नट्स ऐड कर लेंगे। नट्स को हम थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी सारे हम यहीं पर ऐड कर लेंगे। तो इतने मैंने बचा लिए, बाकी सारे इसमें ही ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सिवैयाँ जो हमने फ्राई करके रखी है, वो भी ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल भी। चावल को मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं शीर खुरमा को बनते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मखाने जो उनको फ्राई करके रखा है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ हमने मावा को ग्रेट कर लिया है, वो भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को और पकना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ही इसे हम और पकाएंगे। अभी ये जब आप पका रहे होते हैं तो शीर जो होती है वो आपको पतली लगती है, लेकिन आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें कि ये पतली है। रखने के बाद में शीर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी और थिक हो जाती है। अगर आप पहले से ही इसको गाढ़ा रखेंगे तो बाद में जाके ये फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो 5-7 मिनट के लिए इसे और कुक कर लेंगे। अब आप देखिए देखने में कितनी ज़्यादा ये ऐसे लग रही है जैसे रिच हो गई हो, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी इसकी अभी से दिख रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह ऐड कर ले इलायची को बारीक काट करके, या इसका छिलका हटा करके इसे तोड़ कर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा जल, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। 5-7 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे। शीर खुरमा को पकते हुए और 10 मिनट हो गए हैं, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम से परफेक्ट हो चुकी है। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको शुरू में जब आप सेवई डालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी कम है, आप इसमें दोबारा बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये देखिए आप, जब ये पक जाती है तो ये इस तरीके की हो जाती है, और ठंडा होने के बाद में थोड़ी और थिक हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी सी इसको पतला ही रहने दें, उसके बाद में ये खुद ब खुद ही ठंडी हो जाएगी। तो ये हमारी तैयार है, अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो शीर खुरमा हमारा बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आपका भी इसी तरीके से शीर खुरमा बनकर तैयार होगा। जिस तरीके से मैंने आपको टिप एंड ट्रिक्स बताई हैं, आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ख़राबी नहीं आएगी। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रीमी होता है ये, बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसे ईद के अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन मेन रेसिपी ये ईद की ही है। शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। आपको मैंने जिस तरीके से टिप एंड ट्रिक्स बताए हैं उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी शीर खुरमा बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। तो हर चम्मच में इसके अंदर आता है ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो आते हैं मुंह में आते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिच भी होती है। तो बनाइए इसको अपने घर में, ईद को बहुत सुकून से और बहुत इंजॉय कीजिए। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।